ये बच्चों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट करने वाली जो मनोवृत्ति है ना, जो प्रवृत्ति है ना, उन प्रवृत्तियों का एक जमावड़ा है। 2011 से बिल गेट्स के जेफरी एप्स्टीन के साथ रिश्ते रहे, और उस रिश्ते में मैं आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो मुलाकात करने वाले थे वो सिर्फ बिल गेट्स नहीं थे, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जो साइंटिफिक हेड हैं वो भी उनके साथ जाते हैं। और जो साइंटिफिक हेड हैं, जिन्होंने अभी जो बूटी बनी थी ना, उस बूटी बनाने वाली बहुत सारी कंपनियों को गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन ने इन्वेस्ट किया, पैसे लगाए, ये हैं उनके साइंटिफिक एडवाइजर। जरा चेहरा देखिए इसका, ये है साइंटिफिक एडवाइजर, चीफ साइंटिस्ट हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एडवाइजर नहीं, चीफ साइंटिस्ट हैं। नाम इनका बताइए जरा सा, जरा ऊपर ले आइए। ये जो सज्जन है, इसमें बोरिस निकोलिक देख रहे हैं, जो जो चीफ साइंटिस्ट हैं, बोरिस निकोलिक, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं बोरिस निकोलिक। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या करता है, दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, और फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती हैं, दवा बनाती हैं, वैक्सीन बनाती हैं, आपके जान की रक्षा के लिए काम करती हैं। और उनके जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलाकात करते हैं, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जो है मल्टी बिलियनर हैं, असली धंधा उनका है टीनेज सेक्स हाउस चलाने का, छोटी बच्चियों के साथ सेक्स वर्कर का काम करने वाले जेफरी एप्स्टीन के साथ ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स का जो चीफ साइंटिस्ट है वो भी मिलता है। परवर्टेड दिमाग के लोग हैं ये, परवर्टेड। आप इसी से कल्पना कीजिए कि इनका रिश्ता, और ये कह रहे हैं कि अनजाने में गलती हुई, ये बाद में स्वीकार करते हैं कि ये मेरी ये मिस्टेक है, बिल गेट्स स्वीकार करते हैं कि हां ये मेरा मिस्टेक है, अच्छा अनजाने में, जबकि इसे मालूम था कि जेफरी एप्स्टीन कौन है, वो किस तरह के धंधे में इन्वॉल्व है, कैसे उसको सजा मिली है, ये मालूम होने के बाद भी जेफरी एप्स्टीन से ये शख्स रिश्ता बनाता है, और ना सिर्फ खुद जाता है, और उसके बाद कहता है कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में जो डोनेशंस है उसके लिए हम लोग गए, और उसके बाद जब ये बात नहीं बनी तो मेल करके अपने एम्प्लॉई को लिखते हैं कि नहीं, वो उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा डूबियस लगा, और कुछ साफ साफ नहीं दिखा किस तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, ये मेल लिखते हैं। जब इनको पता चल गया कि दुनिया जान चुकी है कि हम जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर के वही धंधा कर रहे हैं जो जेफरी एप्स्टीन कर रहा है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, अपने एम्प्लॉय के साथ ही रिलेशन का आरोप लगा, इनका डिवोर्स हुआ, और ये रिश्ता तो जेफरी एप्स्टीन के साथ तो 2011 से चल रहा है, 20 में जाकर के 21 में जाकर के इनका डिवोर्स हुआ, 19 में तो ये बहुत बड़े इसमें ये शामिल हो गया, ये शख्स जिसकी अभी इंक्वायरी होनी है लेकिन कोई डिमांड नहीं उठ रही है। मैं इस शख्स के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये शख्स खुलेआम भारत में आकर के अपने सारे टेंटिकल्स फैला दिए हैं, और भारत में आने के बाद ये प्रधानमंत्री आवास भी घुस गया है ये शख्स, और मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि कोई ना कोई मोल है, कोई ना कोई चालाक व्यक्ति है जो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने कब्जे में ले लिया है, अपोजिशन के लोगों को भी कब्जे में किया हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी कब्जे में किया हुआ है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल गेट्स के इस व्यवहार को नहीं जानते हैं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल गेट्स को इसके लिए सवाल जवाब करेंगे? क्या उनसे रिश्ता तोड़ेंगे? मैं बार बार यह कहता रहा, लेकिन यह बात तो अभी बाद में आएगी। बिल गेट्स जेफरी एप्स्टीन के साथ एक लंबा रिश्ता रखते हैं, और बाद में जब यह बात खुलती है कि इन लोगों का क्या क्या कुकर्म चलता है,
तो ये कोशिश करते हैं अपने पीआर के माध्यम से, जो पीआर मैनेजमेंट में इनका लाखों हजारों करोड़ रुपया ये खर्चा करते हैं, उसके माध्यम से ये कोशिश करते हैं ये बताने की कि हमारा जेफरी एप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं है, और अगर जो बना एक दो बार जो मीटिंग हुई वो गलती से बन गई। मैं आपको एक और शख्स की तस्वीर दिखाता हूं, एक महिला, खूबसूरत महिला की तस्वीर दिखाता हूं। ये जेफरी एप्स्टीन को 1992 से जानती है। इस महिला की तस्वीर को देखिए, मैं इसके नाम को बताता हूं, जरा नीचे आइए, मेलेनी वॉकर। ये जो खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं ना, ये मेलेनी वॉकर है। ये जेफरी एप्स्टीन को 1992 से जानती है, और 2006 में, 2000 में जब बिल एंड मेलिंडा गेट्स का गठन हुआ, तो 2006 में जेफरी एप्स्टीन को जानने वाली मेलेनी वॉकर ज्वाइन करती है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।